मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, यहाँ से व्यू, हमारे रूम से व्यू कितना प्यारा आ रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, आई थिंक 6:30 हो रहा है एंड ये व्यू है। एक्चुअली ये होटल भी बहुत अच्छा है एंड इसकी जो लोकेशन है ये भी बहुत अच्छी है। यहाँ से मार्केट, मंदिर, लेक सब बहुत ही पास है। मीन्स 1 किलोमीटर से भी सब 1 किलोमीटर की दूरी भी नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर आप वॉक करके जा सकते हो तो बेटर है, अदरवाइज़ ऑटो वगैरह आपको मिल जाएगा। तो गाइज, अगर आपको कभी इस होटल में आना हो ना तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी। ये होटल बहुत अच्छा है, सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। सो हम तो जस्ट अभी सो के उठे हैं और आज का डे प्लान करना है कि कैसे क्या करना है। इतने मतलब ऐसा मन कर रहा है बस सोते रहो, नहीं बैठे रहो, बट हमें आगे जाना है और आज भी अभी उठ चुका है। मिलते हैं आपसे पूरे फुल डे के ब्लॉग में। गोदिया कोई वो नहीं है, चलो नहीं थकोगे। यहाँ पे क्या है पीछे? अच्छा, ये फायर एग्जिट है। वाओ, कितना अच्छा वेदर है आज, पूरा बारिश वाला वेदर है और हवा बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, यहाँ पे हो रहा है फंक्शन। हाँ, बादल नीचे आ रहे हैं पहाड़ों में। वही है, हाँ देखा गाइस, ये है सावित्री मंदिर जहाँ पे हम कल गए थे और रोपवे स्टार्ट हो चुकी है अभी भी। और ये हमारे होटल के रूम की उससे विंडो से भी दिखता है मंदिर, तो बहुत पास है एक्चुअली। छोले हैं, भटूरे हैं, लिया पराठा, बटर चाहिए मसाला जिंजर टी तो ले गया। हाँ, कितनी कर दूँ? एक आप तो कॉफी बैठो। आपने वीडियो बनाई है? अब क्या लोगे? देखो, मैंने तो पोहा लिया है, तो इडली ली है, परांठा खाओगे? नहीं, पापा बनाए। और एक टी ली है। क्या खा रहे हो तुम? आलू के पराठा। आलू का परांठा यम्मी है, आपको अच्छा लगता है आलू का परांठा ना? ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, ब्रेड बटर, ब्रेड जैम। बाइट करूं? रियांश,
अंदर, दरगाह के लिए, दरगाह के लिए यहाँ से अंदर, दरगाह के लिए यहाँ से अंदर से दरगाह के लिए यहाँ से दरगाह के लिए यहाँ से गाइस। तो हम होटल से चेकआउट कर लिया था और अभी हम आ गए हैं अजमेर शरीफ की दरगाह के लिए। आपको मेरे गेटअप से लग ही रहा होगा। एक्चुअली मैं घर से कोई स्टॉल वगैरह नहीं लेके आई थी, तो हम यहीं पे, मैंने यहीं पे ले लिया और हमारी गाड़ी और लगेज सभी होटल में ही है। हमने ये सोचा, मतलब ये हमने डिसाइड किया था कि हम बाय वहाँ के लोकल ट्रांसपोर्ट से, ऑटो से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे गलियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, हमें आइडिया नहीं लग पाता और किसी ज़्यादा पानी बहुत भरा हुआ है अजमेर में। तो इस वजह से हम ऑटो से आए हैं, जो कि काफ़ी सही डिसीजन था हमारा, अदरवाइज़ हम फंस जाते क्योंकि रोड भी बहुत ख़राब थी यहाँ पे और हमें आइडिया नहीं लग पाता हमें कहाँ से जाना है। आप अजमेर शरीफ आते हैं तो आपको सर में कुछ ना कुछ ढकना होता है। मैं घर से कुछ लाई नहीं थी राहुल के पास, तो चलो उनका हैंकी है, मेरे पास कुछ नहीं था तो मैंने लिया। और ऑटो ने हमें थोड़ी देर पहले पीछे छोड़ दिया था और अब यहाँ से पूरा वॉकिंग है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की मार्केट। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत दिल की इच्छा थी अजमेर शरीफ दरगाह आने की, बस आज पूरी हो गई। यहाँ पे मंदिर भी है शनिदेव का। ये सारी पूरी मार्केट है यहाँ पे। यहीं से होगा, यहीं से जा रहे हैं ना, यहीं से है।
यहाँ से एंट्री दरगाह की। अच्छा ठीक है, अब ये के घर में काम करूंगा, अगर घर पे ये तो बड़े मेरे पास काम करने लगा के पूरा खोल के नया बना दूं। इसके मुंह में आ गया, दो बार आ गया, इसको खोल के वाले को चलाना है। ये आते हैं वे इसकी देन ने इधर बना नाम बोल के रहा हूं। आइए उधर चाहते दीदी, गन्ने को कुछ दो, तुम्हारे नाम से चल चढ़ाएंगे। आप भी लोग आते हो, देखे जाते लोग हैं, दो बाबा में चल चढ़ाएंगे आपके नाम। दे दो अम्मा जी, पानी चढ़ाते भी ऐसे बोलते। यहाँ पे क्या है देख पा रहे हैं, चलो पहले
गाइस हमने दर्शन कर लिए हैं दरगाह के और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बहुत। जिस टाइम हमने एंटर किया तो उतना रश तो नहीं था और अंदर दरगाह में अलाउड नहीं है फ़ोन कैमरा एक्सेस का, तो हमने भारती पर शूट किया जितना हो सकता था। मैंने दिखाया है शूट में कि कैसा है अंदर, जो नहीं गए हैं वो देख पाएंगे कि दरगाह अंदर से कितनी सुंदर है, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है अंदर एंटर करना कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था। अब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और यहाँ पे हर कोई बोलता है कि अपना पर्स अपना फ़ोन सॉरी उसका खास ध्यान रखा जाए क्योंकि भीड़ भड़ाके में यहाँ पे ऐसा होता है जब भीड़ स्टार्ट होती है ना तो भीड़ भड़ाके में होता है कि कोई आपका यू नो इस तरह का चीज़ें हो जाएँ कि आपका वॉलेट ना मिले या मोबाइल खो जाए, तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखें जब भी आप कभी आएँ यहाँ पर। लेकिन बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुकून मिला मुझे आके, बहुत तमन्ना थी मेरी यहाँ पर आने की और वो फाइनली हो गई है पूरी। और अभी रियांश को यहाँ पर टॉय दिलाना है, रियांश आ गया टॉय शॉप में, तो मैं अंदर जाती हूँ देखी और क्या टॉयज को लेना है।